हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अंडा लबाबदार, जिसको आप रोटी या फुलके के साथ भी खा सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बहुत झटपट से बनके रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं एग लबाबदार की रेसिपी। तो सबसे पहले जार में 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, इसे कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें 8 से 10 काजू ऐड करेंगे। काजू को 30 मिनट पहले भिगो लिया था, इससे ग्रेवी बहुत स्मूथ और टेस्टी बनके रेडी होती है। जैसे रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, वही तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इसमें 1/4 कप मलाई ऐड की है दूध की, और हम इसका स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद एक पैन लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज प्याज को कट करके ऐड करेंगे और इन्हें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से रेड चिली पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे मसाले का कच्चापन ख़त्म होने के लिए। और फिर इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर और काजू का पेस्ट ऐड करते वक्त फ्लेम लो कर लेंगे ताकि मसाला जले ना। और अब मसाले को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसे जब तक भूनेंगे तब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। एग लबाबदार का सारा मज़ा मसाला भूनने में है। तो अब जिस मिक्सर में हमने काजू और टमाटर का पेस्ट पीसा था, उसी में हम 1 कप पानी डाल के इसमें ऐड करेंगे। तो उसमें जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और इनकी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और उसके बाद इसमें 100 ग्राम चिकन ऐड किए हैं इस तरीके से कट करके। ये हम अक्सर इसमें चिकन ऐड करते हैं, इससे एग लबाबदार का मज़ा एक अलग ही तरीके से आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप चिकन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप चिकन का पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें 1 बटर का टुकड़ा ऐड करेंगे। बटर का टुकड़ा ऐड करने से ग्रेवी बहुत स्मूथ बन के रेडी होगी। और इसे अच्छी तरीके से भून कर ढक कर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो इसे 2 मिनट तक ढक कर पकाने के बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच एवरेस्ट का किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। इससे अंडा लबाबदार में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मसाला ड्राई होने तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद अब मसाला ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और पैन के चारों कॉर्नर्स में एक एक करके 4 अंडे डाल देंगे। अब इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वाइट पेपर ऐड करेंगे और शिमला मिर्ची के लंबे लंबे पीस कर लिए हैं, उसे थोड़े से ऐड कर लेंगे। और उसके बाद चॉप्ड कोथमीर ऐड करेंगे। और अब एग योक में छुरी की मदद से होल कर देंगे, इससे अंडे में मसाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा।
और अब इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और एग लबाबदार बनके रेडी हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखा कितनी झटपट से और आसान तरीके से कितनी मज़ेदार एग लबाबदार की रेसिपी बनके रेडी हुई है। तो आप मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए, एग लबाबदार विद चिकन। एंड अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।